हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप कर रहे हैं पंजाबी दे विच अठवीं जमात का छेवां लैसन यात्रा हेमकुंड साहिब। आपां पहला पाठ दा सार करांगे, उस तो बाद प्रश्न उत्तर। यात्रा हेमकुंड साहिब। श्री हेमकुंड साहिब भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान विचों एक है। दस्या जांदा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह ते पांडवों ने इस स्थान ते तप किया सी। बाणी विच इस स्थान की जानकारी दिती है। हेम दा नाम, हेम दा अर्थ है बर्फ ते कुंड दा भाव है सरोवर। इस स्थान समुद्र तल तो बहुत उच्चा है। जिहड़ा इह स्थान है इह समुद्र तल तो बहुत उच्चा है। इत्थे सारा साल बर्फ जमी रहिंदी है। इत्थे बर्फ तैरदी नज़र आउंदी है। इस नूं बर्फ दा सरोवर भी कहा जांदा है। इत्थे इह स्थान ऊंचाई ते होण कारण इत्थे आक्सीजन दी घाट है। इत्थे दी यात्रा पैदल जां घोड़ियां राही ही कीती जांदी है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा केवल गर्मियां विच कीती जांदी है। श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा उत्तर प्रदेश दे शहर ऋषिकेश तो शुरू हुंदी है। इस स्थान ते गुरुद्वारा बनिया होया है। यात्री पहला पड़ा इत्थे ही करदे हन। दूजा पड़ा श्रीनगर हुंदा है अते इत्थे एक पासे डूंगियां खड्डां ते किते वगदियां नदियां दिसदियां हैं। पहाड़ वल देखिए तां हरियाली नज़र आउंदी है। यात्री श्रीनगर पहुँचदे हन। इत्थे गढ़वाल यूनिवर्सिटी दा कैंपस है। सुमेर पर्वत नूं जांदे हुए श्री गुरु नानक देव जी रुके सन। इस तों अगले दिन सवेरे गोविंद घाट लई यात्रा हुंदी है। गोविंद घाट तों पहला जोशी मठ आउंदा है। ये स्थान चार मठां विचों एक मठ है। जोशी मठ विच कई मंदिर है। गोविंद घाट विच वड्डा गुरद्वारा बनिया होया है। ये गुरद्वारा अलकनंदा नदी दे कंढे ते बनिया है। इस स्थान ते चारे पासे हरियाली ही हरियाली है। नदी दे बहाओ दा संगीत कन्ना विच बड़ा प्यारा लगता है। इत्थे आ के यात्री अपनी थकावट ते दुख दर्द अते चिंतावां सब भुल जाते हैं। इत्थे ही अगले दिन सवेरे गोविंद घाट तो गोविंद धाम लई यात्रा पैदल तय करनी पैंदी है। रस्ते विच एक ग्लेशियर आउंदा है। शाम नूं यात्री गोविंद घाट पहुँच जाते हैं। इत्थे सवेरे हेमकुंड लई यात्रा करनी पैंदी है। कोई भी यात्री श्री हेमकुंड साहिब लई साहिब नहीं ठहर सकता अते दर्शन उपरंत वापस गोविंद धाम आना पैंदा है। इत्थे दी चढ़ाई बहुत कठिन है। राह विच दो ग्लेशियर आउंदे हन। इन्हां तों
इन्हां नूं पार करदे ही यात्री श्री हेमकुंड साहिब पहुँच जाते हैं। पहाड़ की चोटी उत्ते एक पदरे स्थान विच सरोवर अते एक सुंदर गुरद्वारा बनिया होया है। इत्थे सत पहाड़ी चोटियां नज़र आउंदियां हन। इन्हां नूं ही सप्त सिंह कहा जाता है। यात्री दर्शन करते हुए मुड़ वापस आउण दी लोचा मन विच रखते हुए फिर गोविंद धाम तो गोविंद घाट होंदे हुए अपने अपने घरां नूं परत आउंदे हन। ये सी अपना छेवां पाठ यात्रा हेमकुंड दी। हुण करदे हां अभ्यास प्रश्न। हेमकुंड शब्द दे अर्थ दसो। हेमकुंड साहिब दी रात क्यों नहीं हेमकुंड साहिब रात नूं क्यों नहीं ठहर सकदे। हेमकुंड दा अर्थ है बर्फ अते कुंड दा अर्थ है सरोवर। इस नूं बर्फ दा सरोवर भी कहिंदे हन। इत्थे आक्सीजन की घाट होने कारण यात्री रात नहीं ठहर सकते। हेमकुंड साहिब सर्दियों विच क्यों नहीं जाया जाता। हेमकुंड साहिब विच सर्दियों विच बर्फ बहुत पैंदी है इसलिए इत्थे गर्मियों विच ही जाया जाता है। श्रीनगर शहर की की महत्ता है। श्रीनगर बड़ा इतिहासिक स्थान है। इत्थे गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। दसिया जाता है कि सुमेर पर्वत नूं जाते हुए गुरु नानक देव जी इत्थे रुके सन। जोशी मठ है जिसी लिखा है। जोशी मठ की महत्ता दसते हुए अपने शब्दों विच लिखो। जोशी मठ हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान शंकराचार्य वालों स्थापित चार मठां विचों एक है। इस मठ विच कई मंदिर हैं। गोविंद घाट तो हेमकुंड साहिब की यात्रा का वर्णन। यात्री गोविंद घाट तो गोविंद धाम की यात्रा पैदल ही तय करते हैं। गोविंद घाट विखे बहुत वड्डा गुरद्वारा बनिया होया है। यह गुरद्वारा अलकनंदा नदी के कंढे ते स्थित है। नदी के वहाओ का संगीत कन्ना नूं बड़ा ही प्यारा लगता है। इत्थे एक ग्लेशियर आउंदा है। शाम नूं लोग गोविंद धाम पहुँच जाते हैं। गोविंद धाम तो दो ग्लेशियर नूं पार करके हेमकुंड साहिब स्थित गुरद्वारे के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ये चढ़ाई लगभग सीधी तो वधेरे कठिन है। ये स्थान पहाड़ी की चोटी उत्ते पदरे स्थान विच सरोवर अते नाल ही एक सुंदर गुरद्वारा ते अदुत्ती नज़ारा पेश करता है। हुण करदे हाँ छेवां प्रश्न। हेमकुंड साहिब स्थित गुरद्वारे अते इस दे चौगिरदे दा वर्णन अपने शब्दां विच करना है। हेमकुंड साहिब पहाड़ की चोटी उत्ते पदरे स्थान ते सरोवर अते नाल ही एक सुंदर गुरद्वारा ते एक अदुत्ती नज़ारा पेश करता है। चारे पासे सत पहाड़ी चोटियां नज़र आउंदियां हन जिन्हां नूं सप्त संग्रह भी कहा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न। हेमकुंड साहिब विखे किहड़े गुरु जी अपनी तपस्या कीती दसी जाती है। तां हेमकुंड साहिब विखे किन्ना गुरु साहिबाना ने तप किया सीगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इहदा उत्तर है श्री गुरु गोबिंद सिंह। हेमकुंड का की अर्थ है। बर्फ का सरोवर। बर्फ का सरोवर गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत नूं जांदे हुए किथे रुके सन।
गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत नूं जांदे होए श्रीनगर रुके सन। गोविंद धाम समुद्री तल तो किन्नी उचाई ते है? 10,500 फुट ते। हेमकुंड साहिब गुरद्वारा विखे किस गैस की घाट है? ऑक्सीजन गैस की घाट है। हुणे आपां कर ही लिया हेमकुंड साहिब का की अर्थ है। हेम शब्द का अर्थ है बर्फ, कुंड का अर्थ है सरोवर, इसलिए इनू की कहा जाता है हेमकुंड नूं बर्फ का सरोवर। तो तुसी इत्थों तक प्रश्न उत्तर करने हैं, अपना यह लैसन पूरा हुंदा है। अगली वीडियो दे विच अगला लैसन करांगे, उन्ने चिर वे तुसी इनू पूरा करना। धन्यवाद।